आज हरिओम पैलेस बांडेर में संजय दांगी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खून से पत्र लिखा। यह पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए लिखा गया। 15 अक्टूबर को राहुल गांधी के दतिया आगमन पर खून से लिखा पत्र बांडेर युवा कांग्रेस द्वारा सौंपा जाएगा। राहुल गांधी को खून से लिखा पत्र सौंप कर मांग की जाएगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जाए, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता संजय दांगी, किसान कांग्रेस जिला महामंत्री अश्विनी त्रिपाठी, अंशुल आर्य, हेमू दुबे, लकी तिवारी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 15 तारीख को, तो उनको एक ज्ञापन देंगे जिसमें ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन आए। 40-50 लोग हैं और भी आ रहे हैं, सब लोग यहाँ बैठ के पूछी जाती है। आज जैसा कि तमाम सर्वे एजेंसियों ने में आया है कि बिना घोषित चेहरा घोषित होने के बावजूद सीमन सिंधिया प्रदेश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में भ्रम की स्थिति है। जैसा कि पूर्व में हो चुका है जिससे हम सत्ता से बाहर बैठे हैं, तो हमारी मांग है हम रक्तपत्र के माध्यम से 15 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा है दतिया का, वहाँ हम ये रक्तपत्र लिख के उनको सौंपेंगे और उनके जरिए मांग करेंगे कि भांडे क्षेत्र के समस्त युवा आपसे मांग करते हैं कि श्रीमान सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जिससे कि जनता में जो भ्रम की स्थिति है वह उत्पन्न ना हो और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो। इसके माध्यम से हमने अपने जिले के शीर्ष नेतृत्व से समय कहा है, मांग की है कि हमें समय दिया जाए, राहुल जी से मिलने का बात चल रही है, जैसा भी होगा हम आपको आगे चल के बता देंगे। जिंदाबाद सिंधिया सरकार।